कोविड-19 संक्रमण के बढ़ते हुए खतरे को देखते हुए जेईई नीट परीक्षा को स्थगित करने की मांग को लेकर आज धनबाद जिला कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में विरोध प्रदर्शन किया गया। कांग्रेस के अशोक सिंह ने कहा कि आज देश कोरोना बीमारी से आक्रांत एवं भयभीत है। कोविड-19 संक्रमण बीमारी को देखते हुए जेईई नीट परीक्षा केंद्र सरकार द्वारा कराना अनुचित है। जेईई नीट परीक्षा स्थगित करने की मांग देश भर के छात्रों एवं अभिभावकों की ओर से परीक्षा स्थगित करने की मांग की जा रही है। बावजूद परीक्षाओं का आयोजन केंद्र सरकार कर रही है। इस मामले को लेकर देश भर के छात्रों और अभिभावकों में काफी आक्रोश व्याप्त है। वर्तमान स्थिति में रेल बस समेत सभी यातायात बंद है। ऐसी स्थिति में केंद्र सरकार द्वारा परीक्षा संचालित कराना समझ से परे है। उन्होंने सरकार से मांग करते हुए जेईई नीट परीक्षा को स्थगित करने की मांग की है। साथ ही उन्होंने सुप्रीम कोर्ट जाने की भी चेतावनी दी है। नीट और जेईई के एग्जाम को लेकर के कांग्रेस द्वारा देशव्यापी आज धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम है। उसी के तहत धनबाद में कार्यकारी अध्यक्ष शंकर प्रजापति के नेतृत्व में धनबाद के कांग्रेसियों ने आज किया है। मोदी सरकार नीट और जेई का एग्जाम कराने पर तुली हुई है, लेकिन कोरोना का संक्रमण जिस रफ्तार से बढ़ रही है हिंदुस्तान में, कि अगर पिछले दो दिन का आंकड़ा देखें तो कल 75,000 था, आज 77,000 है, और ऐसे में लाखों छात्र, 10 लाख के करीब पिछले साल हुए थे, इस बार भी उससे ज़्यादा ही है, कम नहीं है, और उसके साथ उनके गार्जियन, उनके माता पिता, इतने लोग कैसे सेंटर तक जाएंगे, जबकि पूरी ट्रांसपोर्ट व्यवस्था हमारी पब्लिक ट्रांसपोर्ट व्यवस्था चल नहीं रही है, होटल्स सारे बंद पड़े हुए हैं। ऐसे में ये संभव ही नहीं है कि इस तरह का एग्ज़ाम करा पाए। जहां लोग खाने खाने के लिए मोहताज हैं, दाने दाने के लिए मोहताज है, वैसे में टैक्सी रिजर्व करके लोग अगर एग्ज़ाम दिलाने जाएंगे तो उनको पैसा कहाँ से आएगा। सरकार कहती है कि हर विद्यार्थी को कोरोना टेस्ट कराना पड़ेगा, वो कोरोना टेस्ट का पैसा कौन देगा? आज जो सरकारी दर तय हुआ है उसमें भी प्रति व्यक्ति 2500 रुपया तय है, तो अगर हर स्टूडेंट कोरोना का जांच कराता है तो उसका पैसा कौन देगा? क्या सरकार उसकी जांच कराएगी कितने छात्रों का? तो ये सारे सवाल हैं जिसके लेकर के कांग्रेस पार्टी आंदोलन कर रही है और ये मांग कर रही है मोदी सरकार से कि कोरोना को देखते हुए अभी तत्काल इसको स्थगित करें और जब स्थिति सामान्य हो तब इसका एग्ज़ाम हो। देखिए, हम लोगों का लोकतंत्र है, लोकतंत्र में तरीका यही है आंदोलन करना, अपनी बातों को सही ठहराने के लिए आंदोलन ही एक रास्ता है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट, सोनिया जी के नेतृत्व में अभी 7 मुख्यमंत्रियों की बैठक हुई थी इसी संदर्भ में, और 7 मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक में ये बात तय हुई है कि अगर मोदी सरकार नहीं मानती है तो सब लोग सम्मिलित रूप से सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे और सुप्रीम कोर्ट तक अपनी बातों को लेकर के जाएंगे। कि पूरे भारत में NSUI और कांग्रेस पार्टी के द्वारा आज यह आंदोलन किया जा रहा है, स्पीकअप फॉर स्टूडेंट हेल्थ। जैसा कि आप जान रहे हैं कि केंद्र की मोदी सरकार नीट और जेई के एग्ज़ाम की अनुमति दे दी है, बोल रहे हैं, उनके HRD मिनिस्टर बोलते हैं कि 10 लाख से ऊपर फॉर्म एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिया गया है, और वो ये भी बोलते हैं कि कृपया घर में रहें, सुरक्षित रहें। तो ये दोहरा नीति वो किस तरह से कर रहे हैं मुझे ये नहीं समझ। आपको पता है, आप मीडिया देश के चौथे स्तंभ हैं, आपको पता है कि पूरे देश में लॉकडाउन चल रही है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद है, होटल रेस्टोरेंट बंद है, और एक ज़रूरी नहीं कि सब जगह होम सेंटर हो, ये जेई नेट की एग्ज़ाम है, अदर ज़िले में भी इसका सेंटर आता है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि स्टूडेंट अपने घर से सेंटर तक किस प्रकार जाए, ये आप हमें बता दें। मैं केंद्र की मोदी सरकार से बस ये पूछना चाहता हूँ, और अगर वो ठीक है चले गए तो वो खाएंगे क्या, कहाँ खाएंगे? उसके बाद ये दोनों के बाद है कि वो क्या संक्रमित नहीं होंगे? अगर देश में कोरोना चल रहा है और लाखों स्टूडेंट अगर एग्ज़ाम देने जाएंगे तो वो क्या संक्रमित होंगे या नहीं होंगे, इसकी गारंटी मोदी सरकार दे। हम लोग यह मांग करते, पूरी NSUI ये मांग करती है कि केंद्र की मोदी सरकार तत्काल नीट और जेई की एग्ज़ाम रद्द करे, इस पर पुनः विचार किया जाए, या कोरोना संक्रमण खत्म होने के बाद ये एग्ज़ाम लिया जाए।